जिला बिलासपुर के स्वारघाट कस्बे के लोअर बाजार में सुबह के लगभग 3:30 बजे RJS ज्वेलर और वर्मा क्लिनिक में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस आग की घटना में लाखों का नुकसान हो चुका है। रात को गश्त कर रहे पुलिस व होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने देखा कि दुकान से धुआं निकल रहा था। उसी वक्त पुलिस के जवान हरकत में आए और इसकी सूचना पुलिस थाना स्वारघाट को दी। उन्होंने ITI के चौकीदार को भी इसकी सूचना दी और दुकान के बाहर 2 मोटरसाइकिल को हटाया। उसके बाद स्थानीय लोगों और दुकानदारों को इसकी सूचना दी गई। तभी दुकानदार व स्थानीय जनता घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने इधर उधर से पानी इकट्ठा कर आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने में स्वारघाट के स्थानीय समाज सेवक तिलकराज ठाकुर ने बहुत सहयोग किया। नैना देवी के फायर ब्रिगेड को इस घटना की सूचना दी गई, लेकिन 26 किलोमीटर दूर नैना देवी से स्वारघाट तक आग बुझाने वाला वाहन पहुंचने से पहले दोनों दुकानें खाक हो चुकी थी। व्यापार मंडल स्वारघाट के प्रधान महेंद्र सिंह राणा ने प्रशासन से मांग की है कि दोनों दुकानदारों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इन्होंने कहा कि व्यापार मंडल की तरफ से भी दुकानदारों को सहायता दी जाएगी। उधर उपमंडल स्वारघाट प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार दौलत ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने फौरी राहत के तौर पर दुकानदारों को 10-10 हज़ार की आर्थिक राशि प्रदान की है। पता चला जब हम यहाँ आए दुकान पे, तो यहाँ देखा हमने पुलिस तैनात थी और स्थानीय लोग दुकानदार बहुत ज़्यादा यहाँ रुके हुए थे और बहुत ज़्यादा आग थी। फिर लोगों ने आग पे कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि कंट्रोल नहीं कर सके और फिर बड़ी मुश्किल के बाद इस आग को कंट्रोल किया गया। घटना घटी इसका पता हमें लगभग 3:30 बजे के आसपास लगा और जैसे गश्त के जवान पुलिस के कर्मचारी थे वो जा रहे थे गश्त के दौरान, उन्होंने मेरे को बताया कि साथ वाली दुकान में धुआं निकल रहा है। तो मैं एकदम बाहर निकला, उस दुकान के बाहर 2 बाइकें लगी हुई थी, मैंने उन बाइक वालों को उठाया, साथ में दुकानदार जो यहाँ रहते हैं उनको बताया और स्थानीय जनता को एकत्र करके हमने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हमारी ITI की जो टैंकी है उसमें लगभग 1,000 लीटर पानी होता है, उसके द्वारा हमने आग पर काफ़ी काबू पा लिया था और काबू करने के बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँची और उसके बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। जल्दी हमारी दुकानदार भाइयों की एक सुनियार की दुकान है, एक डॉक्टर की दुकान है, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सुनियार का तो मेरा लाखों में नुकसान होगा। हम प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि यहाँ जो अग्निशमन विभाग का वाहन है वो यहाँ होना चाहिए 24 घंटे, ताकि ऐसी अप्रिय घटना ना हो। इससे पहले भी हमें एक डॉक्टर की दुकान यहाँ जली थी, तो प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अग्निशमन यंत्र जो यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे आग लगी और यहाँ पे मतलब वो पुलिस वाले गश्त पे आए थे, तो उन्होंने वहाँ को सूचना दी कि आग लगी हुई है और हम रात को सोए से उठे और हमने देखा यहाँ पे आग लगी, तो मैक्सिमम यहाँ पे करीब सारी पब्लिक इकट्ठी हो चुकी थी और फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले वायर लाइन काटी बिजली वाली, ताकि और जगह आग ना लगे। तो साथ में हमने देखा कि ये आग जो भड़क चुकी थी बहुत ज़्यादा, और साथ में करीब वाली दुकान थी वो भी जल चुकी थी, और हमने साथ में जगह जगह से पानी इकट्ठा किया और फिर वो आग बुझाई। और फायर ब्रिगेड वाले सबसे बड़ी ये वो कि 2 बजे उनको कॉल की थी और वो 5 बजे पहुँचे, तब तक ये सब कुछ रात हो चुका था, और जबकि यहाँ पे साथ वाली दुकानें थी वो भी आग से लगने वाली थी। तो वो सबसे पहले फायर ब्रिगेड वालों का भी सवाल करना चाहते कि वो कहाँ थी इतनी देर तक, 2-2.5 घंटे उनको नैना देवी से आग लग गए और जबकि और पब्लिक वहाँ से मिसियाल से जबकि 1/2 घंटे में पहुँच गई पब्लिक। तो ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।